सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो डॉक्टर जाकिर नायक साहब का एक बयान है जो है प्रूव इट विद साइंस, मोहम्मद स्प्लिट मून इनटू टू पीसेस, डॉक्टर जाकिर नायक। सो हो सकता है किसी ने उनसे पूछा हो कि आप प्रूव कीजिए कि जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने चांद को दो हिस्सों में दो टुकड़े कर दिए थे चांद के। हमने पहले भी ये सुना हुआ है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े कर दिए थे। तो इस वीडियो में जाकिर नायक साहब ने प्रूफ किया है कि क्या वो सच था या नहीं। तो इस वीडियो को देखते हैं और तभी हमें ज्यादा चीजें पता चलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं एंड हुएवर इज नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल। सो आई वॉन्टेड अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस पॉइंट कि हर एक की आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है। तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि व्हाई ऑल मुस्लिम विल गो टू हेवन एंड नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल इफ एट ऑल वी डू गुड डेड्स, लाइक इफ नॉन मुस्लिम ऑल्सो डज गुड डेड्स व्हाई दे विल गो टू हेल। बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोजख में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुबहाना व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे। बहन, जन्नत में जाने के लिए चार शरायत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूं, जब मैं आईसीएसई में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी, 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपल्सरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए चार शरायत है। यह लिखा है सूरह अल असर में, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीन आमनु व आमिलु सालिहाती व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुबहाना व ताला कसम खा रहे है वक्त की, असर की, बेशक इंसान खसारे में है, सिर्फ वो लोग जो चार चीज में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये चार चीजें ईमान, अमल सालेहात, वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिस सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं एंड पासिंग मार्क्स इज 40%, पास होने के लिए 40 मार्क्स की जरूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में हिंदी में मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट में, हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है, ईमान, अमल सालेहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना, 4 चीजें जरूरी है। एक भी चीज अगर इन चारों में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान है, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं,
मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले बाकी तीन हिस्से में, ईमान में लेकिन फेल हुए तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासो बिलहक, दावत नहीं देता है लोग को, हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सबर की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सालेहात, वतवासो बिलहक, वतवासो बिसब्र, चारों चीज की जरूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे है, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? यस, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग द पॉइंट। यू मोस्ट वेलकम। जी भाई, माइक नंबर एक से अगर कोई सवाल हो तो करें। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के दो टुकड़े किए, लेकिन अभी फिलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है, तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा, कुरान की आयत सुरा निसा सुरा नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम अज कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं, इदम नममे, मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने, तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि नमस्ते के मानी जानता हूं। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं, नमस्ते आता एकदम नममे से। आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुभान व तआला है। तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के दो टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के दो टुकड़े हुए क्या ने। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है, हम मानते हैं कि ये मौजिजा था जो अल्लाह ने किया, मौजिजा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है, फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर, कमर के दो टुकड़े किए थे, टुकड़े हो गए वापिस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता इंशाल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े दो हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूं, शायद। लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान, सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पुणे में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस, उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ताक़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है, कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अजमी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना, तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। खूब नाम से क्वेश्चन। ला इलाहा इल्लल्लाह।
तो इस वीडियो में दो पार्ट थे। फर्स्ट में ये था कि क्या सारे मुस्लिम जन्नत में जाएंगे और बाकी लोग नहीं जाएंगे, और सेकंड पार्ट में था कि चांद के जो दो टुकड़े वाली बात होती। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि सबके लिए चार शरायत हैं जो उन्हें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर वो उनमें से किसी एक में भी फेल होते हैं तो इट मीन्स वो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो मोस्टली मैंने मुस्लिम लोगों से ये सुना है कि हम तो जन्नत में जाएंगे क्योंकि हम मुस्लिम हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये बिल्कुल नहीं है कि सारे मुस्लिम बस जन्नत में चले जाएंगे। जब तक वो चारों जो गाइडलाइंस उन्हें दी गई हैं उनको नहीं फुलफिल करते हैं, वो लोग भी जन्नत में नहीं जा सकते हैं। तो वो चाहे नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, वो जो चार शरायत दी गई हैं वो सबको फॉलो करनी जरूरी है, उसके बाद में ही वो जन्नत जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम होने से जन्नत में चले जाएंगे। तो ये चीज़ है जो मतलब मैं दोबारा से हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज पर्पसली मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने ये चीज़ बहुत लोगों से सुनी है कि हम मुस्लिम हैं हम तो पक्का जन्नत में जाएंगे, तुम लोग जहन्नुम में जाओगे। मीन्स ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है ये लाइन, कि काफ़ी लोग बोलते हैं, इवन मतलब काफ़ी बार सुनी है मैंने ये चीज़ें। तो इसीलिए जस्ट मेक श्योर कि जब तक आप वो चार शरायतें पूरी नहीं करते तो मुस्लिम होने से ये ज़रूरी नहीं है कि आप जन्नत में चले जाओगे। बाकी सबके लिए तो खैर है ही, क्योंकि बाकी सब लोगों को भी एक ईश्वर पे और लास्ट जो पैगंबर रहे हैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे यकीन करना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुरान में भी लिखी गई हैं, बट मुस्लिम लोग को मैंने मोस्टली देखा है ये चीज़ पे प्राउड फील करते हुए कि हम बिकॉज मुस्लिम हैं तो हम लोग जन्नत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और सेकंड चीज़, जो चांद के दो टुकड़े करने वाली बात है, ये तो खैर चांद पे जाने के बाद में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी बोला है कि वहाँ पे कुछ तो है ऐसा, बट वो क्या टूट के जुड़ा है या किस चीज़ के वो निशान है वो किसी को नहीं पता कि वो क्या है। तो इसीलिए ये भी कहा जा सकता है, बिकॉज कुरान तो इतने टाइम पहले लिखा गया है और उस टाइम पे लिखा था कि चांद के दो टुकड़े हुए थे, और आज कुछ कुछ ऐसे निशानियां मिलती हैं जो कि जाहिरी तौर पे नहीं बोला जा सकता है कि वो चांद के टुकड़े होने के बाद में जुड़ा है उसलिए वो लाइन है या क्या है, बट जो निशान है सो है। तो ये दो चीज़ें आज हमें पता चली हैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब की इस वीडियो में, और आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय।